बच्चों आज हम आपको लेसन नंबर 12 में पार्ट 6 इस फिजिक्स में आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहे हैं और न्यूमेरिकल पोर्शन में आपके मैं न्यूमेरिकल 35 36 से अगर 40 के लगभग पहुंच चुका हूं। अब आपके सर्किट डायग्राम के न्यूमेरिकल आगे हैं, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें ये प्रतिरोध है, ये प्रेरकत्व है, ये सोर्स है, इसकी वैल्यू ये। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिबाधा धारा का शिखर मान तथा कलांतर ज्ञात करें। ये 2017 में और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखने के बाद क्या क्या दिया है, क्या आर इतना है, सोम एल हमारी 0.1, वी नो 10 वोल्ट और W हमारा 1000 रेडियन पर सेकेंड, हमें एक्स एल निकालना है, ओमेगा 1000 एल का 1.1 मल्टीप्लाई करें 100, फिर हमें जेड निकालनी है, जेड इजकल टू कितना होता है एक्स एल स्क्वायर एक्स आर इस स्क्वायर एक्स एल का मान 100 का स्क्वायर 100 बाहर आ जाएगा 100 रूट 2 हो जाएगा। हमें करंट निकालनी है, करंट आई बराबर क्या होता है वी अपॉन जेड, वी की वैल्यू 10, जेड की वैल्यू 100 रूट 2, इससे काटेंगे तो 1/10 रूट 2 आ गई एम्पियर में। हमें इसका फेज कलांतर निकालना है 10 ∅ ओमेगा अपॉन आर, ओमेगा एल की वैल्यू कितनी है 100, आर की वैल्यू कितनी है 100 से निकालनी कितना है 1, तो 10 ∅ बराबर 10 45 और 1 की वैल्यू 45 होती है, 10 से 10 कटा तो 5 बराबर 45, तो हमारा कलांतर कितना आया 45। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिपथ में निम्न मान ज्ञात करो, यह परिपथ दे रखा है, ये सोर्स है हमारा, ये इसमें प्रेरक जुड़ा है, ये इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जैसे वो बताया था, इसमें अधिकतम धारा वर्गमाध्य मूल धारामान वोल्टता तथा धारा में कलांतर ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन 2009-2013 में आया हुआ है, दिया हुआ है वी नॉट इतना है, W बराबर 300, R बराबर 40, L बराबर के कितना है आपका L की वैल्यू लिख देंगे 0.1 हेनरी है, 0.1 हेनरी, XL बराबर ओमेगा L, इसकी मल्टीप्लाई 30 ओम हो गया। अब मुझे Z निकालना है, Z बराबर क्या होता है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XL का मान 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर के 916 तो 2500। ठीक है, अब हमें इसका निकल के 50 ओम आ गया, आई नोट बराबर क्या होता है वी नोट अपॉन जेड, वी नोट का मान 450, इसे डिवाइड करेंगे 8 एम्पियर। अब हमारी करंट कितनी है आई आर एम एस, आई आर एम बराबर आई नोट अपॉन रूट टू, आई नोट की वैल्यू 8/√2 रूट टू के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 आ जाएगा। 10 ∅ की वैल्यू कितनी है XL अपॉन R, XL का मान 30/40, इसको डिवाइड करेंगे 3/4.75 या 5 × 10⁻¹. ओके, इसके बाद ये आपके समझ में आ गए। इसके बाद आगे चल बच्चों, प्रश्न में दिया है परिपथ में प्रतिबाधा, एमीटर का पाठ्यांक तथा शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। इसमें हमारी कुंडली दे रखी है, ये प्रतिरोध है 0.1 ओम, इसका 40 ओम, और ये हमारा V बराबर 200 sin 300 दे क्या वो, इसमें 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, L की वैल्यू 0.1 हेनरी, R की वैल्यू 40 और V नॉट वैल्यू 200, तो ओमेगा वैल्यू कितनी है 300, XL ओमेगा L होती है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 30, जेड निकालेंगे XL स्क्वायर R का स्क्वायर, XL R की वैल्यू रख देंगे तो निकल कितना आएगा 50 ओम। अब हमें आई नॉट का मान कितना है वी नॉट अपॉन जेड, वी नॉट की वैल्यू 200/50 डिवाइड करेंगे 4 एम्पियर, 0 0 काटेंगे 5 × 20 4 आ गया। फिर हमें आई आर एम एस निकालनी है, आई आर एम एस क्या होती है वी आई आई नॉट अपॉन रूट टू, आई नॉट का मान 4√2, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 √2 2 से काटेंगे 2√2, तो ये हमें हो गया। हमें अब निकालना है शक्ति गुणांक क्या होता है, cos ∅ आर अपॉन जेड, आर की वैल्यू 40, जेड की वैल्यू 50, 0 0 काटेंगे 4/5 करेंगे 0.8, तो cos ∅ का मान आ गया
और इसको क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। अब आगे चलते हैं, अब आपका क्वेश्चन चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ओम का प्रतिरोध 20/पाई हेनरी का प्रेरकत्व तथा पाई अपॉन पाई माइक्रोफेराड का संधारित्र 230 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की आवृत्ति को श्रेणी क्रम में करता है, तो उसकी प्रतिबाधा ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें दो को पहचानना। सबसे पहला होता है क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, और आर का मान 50 ओम, एल की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी एफ हो गई, एफ 50 हो गई हमारी, एल बराबर 20/पाई, एक्सएल ओमेगा एल होती है, 2πfL होगा, 2πfL की वैल्यू रख देंगे, पाई से पाई काटेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 ओम। अब हमें xc निकालना है, xc बराबर क्या होता है, 1/2πfc, 1/2πf का मान 50 और c का मान π/5, पाई से पाई काट देंगे इंटू, अब इसकी पार ऊपर ले जाएंगे 1/5, 10^-4 ऊपर ले गए, 10,005 से डिवाइड कर दिया 2000, ओके ये हमारी आ गई। अब हमें प्रतिबाधा निकालनी है, प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं, जेड इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें से 2000-2000 ये कट जाएगा, ये कट के जीरो हो गया, 50 का स्क्वायर का रूट कटेगा तो 50 ओम आ गया, ये हमारी जो है प्रतिबाधा निकल गई। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है और जो मैंने लिखा है इसको याद करना है। होमवर्क में क्या बताया, एक तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है पी बार इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ये दो डेरिवेशन हैं, ये सिद्ध करने के डेरिवेशन ये आपको तैयार करने हैं और मैं कल ये आपसे बूझूंगा, ठीक है, मैं तैयार करके आना, ओके।